ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 58 को पढ़ते समय हमने ये जाना कि सेक्शन 58 अपने आप में 7 क्लॉजेस में डिवाइड है। एक तरफ जहां सेक्शन 58 क्लॉज ए मॉर्गेज और उससे रिलेटेड टर्म्स को, जैसे मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड को डिफाइन करता है, वही क्लॉज बी से लेकर के क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 58 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस के बारे में बात करता है। अब देखो सेक्शन 58 क्लॉज ए में जब हमने मॉर्गेज डीड को इस वीडियो में समझा तो हमने जाना कि मॉर्गेज डीड क्या है। इट इज रिटन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। जब हम मॉर्गेज को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक इंस्ट्रूमेंट बन करके तैयार हो जाता है जिसे हम मॉर्गेज डीड कहते हैं। तो मॉर्गेज डीड इज नथिंग बट अ रिटन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज। क्लियर? तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को, जिसमें हमने मॉर्गेज और उसके डिफरेंट टाइप्स को एकदम सिंपल वे में समझा है विद कंप्लीट नोट्स, जाकर के देख सकते हो फिलहाल। तो मॉर्गेज डीड क्या है? इट इज रिटन इंस्ट्रूमेंट, इट इज रिटन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, राइट। अब देखो सेक्शन 59 कहता है व्हेन मॉर्गेज टू बी बाय एश्योरेंस, यानी कहता है सेक्शन 59 कि कब और किन कंडीशन में हमें मॉर्गेज को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कब हमें मॉर्गेज डीड तैयार करना है। क्लियर है? चलो देखो दो कंडीशन है। ये कहता है प्रॉपर्टी विच इज मोर देन 100 रुपीज ऑफ वैल्यू। देखो मॉर्गेज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मॉर्गेजर और दूसरा मॉर्गेजी। मॉर्गेजर कौन होता है? मॉर्गेजर वो पर्सन जो अपने इंटरेस्ट का ट्रांसफर करता है, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी रखता है। जिस पर्सन के पास, उसे हम मॉर्गेजी कहते हैं। और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में वो क्या करता है? लोन अमाउंट रेज करता है, right? तो कह रहा है कि मान लो, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ए ने लोन लिया बी से और इन रिटर्न अपना लैंड एज ए सिक्योरिटी रखा बी के पास, राइट? तो हियर लोन अमाउंट इज सिक्योर अगेंस्ट लैंड, राइट? तो यहां पे मॉर्गेजर कौन है? मॉर्गेजर को हम ट्रांसफर भी कहते हैं, अगर आपको याद हो। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है मिस्टर ए, तो मिस्टर ए कौन है? मॉर्गेजर है, ट्रांसफरर है, राइट? किसको ट्रांसफर कर रहा है? मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी कौन है? मॉर्गेजी है, ट्रांसफरी है। क्लियर? तो कह रहा है मान लो ये जो लोन अमाउंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लिया, यदि इस लोन अमाउंट या इस डेब्ट का जो वैल्यू है वो है मोर देन 100 रुपीज, 100 रुपए से ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में कह रहा है प्रॉपर्टी विच इज मोर देन 100 रुपीज ऑफ वैल्यू
आर टू बी रजिस्टर्ड, उसे हमें रजिस्टर्ड कराना है, राइट। और एंड इट मस्ट बी अटैच्ड विथ टू विटनेसेस, दो विटनेसेस यानी दो गवाहों को भी क्या करना है, वहां पे शामिल करना है, राइट। तो यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर मॉर्गेजर ने 100 रुपए से ज्यादा का कोई डेब्ट मॉर्गेजी से लिया है तो उसे रिटर्न में रजिस्टर्ड कराना होगा और साथ ही साथ दो विटनेसेस को भी अटैच करना होगा, क्लियर। एक्सेप्शन है इसका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। देखो इसका एक्सेप्शन है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, यानी अगर आपका मॉर्गेज इस कैटेगरी का है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, तो ऐसे कंडीशन में एज ए मॉर्गेजर भले ही आपने 100 रुपीज के ज्यादा के वैल्यू का डेब्ट ले रखा है, यू डू नॉट नीड टू रजिस्टर इट, आपको उसे रजिस्टर नहीं कराना है, ठीक है। ओके, अब दूसरा कंडीशन, इफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज लेस देन 100 रुपीज, यानी मॉर्गेजर ने जो लोन अमाउंट मॉर्गेजी से लिया है यदि उसका वैल्यू 100 रुपए से कम है, ऐसे कंडीशन में देयर इज चॉइस, यहां पे चॉइस अवेलेबल है मॉर्गेजर के पास और मॉर्गेजी के भी पास, राइट, कि या तो वो इसे रजिस्टर्ड करा ले या नहीं कराए। तो देयर इज टू चॉइसेस अवेलेबल, या तो वो इसे रजिस्टर्ड करा ले या नहीं कराए, ठीक है। अगर नहीं कराता है, राइट, तो जो मॉर्गेजर है उसे डिलीवर करना होगा अपना प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू या तो इक्वल हो मॉर्गेज मनी के या उससे ज्यादा हो। इसका एक्सेप्शन है सिंपल मॉर्गेज। देखो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, मान लो जो लोन अमाउंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी से अगेंस्ट कीपिंग हिज पीस ऑफ लैंड एज सिक्योरिटी, जो भी लोन अमाउंट इसने लिया था मिस्टर बी से, सपोज उसका वैल्यू क्या है, सपोज 99 है यानी लेस देन 100 रुपीज है, तो इसके पास दो चॉइसेस अवेलेबल है मॉर्गेजर के पास, मिस्टर ए के पास, चाहे तो रजिस्टर करा सकता है या नहीं करा सकता। तो सपोज ही गोज विद सेकेंड ऑप्शन, वो रजिस्टर नहीं करा है, ऐसे कंडीशन में इसे जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा, यानी यहां पे इसे अपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन डिलीवर करना पड़ेगा मिस्टर बी के पास, जिसका वैल्यू या तो 99 रुपीज हो मतलब इक्वल टू मॉर्गेज मनी, या तो इससे ज्यादा का हो, इससे कम का नहीं होता है। आप जानते भी हो कि सिंपल जब हम लोन लेने जाते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ लोन हम लेते हैं एज ए सिक्योरिटी, जो भी प्रॉपर्टी हम रखते हैं उसका वैल्यू उस लोन अमाउंट से ज्यादा होता है या तो इक्वल होता है, राइट। तो वही बात यहां पे कहा गया है, क्लियर। अब इसका एक्सेप्शन है सिंपल मॉर्गेज। देखो क्योंकि सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, देयर इज नो डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफरर से ट्रांसफरी के पास नहीं जाता है, लेकिन यहां तो जा रहा है, इसलिए इसका एक्सेप्शन है सिंपल मॉर्गेज, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई भी टॉपिक आसानी से समझ में तो आ जाता है, लेकिन क्योंकि हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमारा ग्रामर
उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो हम लिख नहीं पाते, राइट। इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि यहां पे जो भी सेक्शन है उन्हें आपको सिंपल मैनर में समझाया जाए, साथ ही साथ आपको ये नोट्स तैयार करवाया जाए ताकि एग्जाम में आप एज इट इज लिखो और पूरा मार्क्स गेन करो। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए।